हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत ही औसम सेशन के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ यहां पे जुड़ चुका हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूं 10 थिंग्स नॉट टू डू एट अ जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू ऐसा इसलिए मैं ये सेशन लेके आने के पीछे मेन रीज़न IDBI का अपने पास अभी इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पर हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कोई बेस, कोई जगह, कोई मतलब ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर हमारे पास इंटरव्यू के लिए कोई भी प्रिपरेशन के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म ये जगह नहीं है। इस वजह से कुछ वीडियोस के फॉर्मेट में मैं आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं कि किस तरीके से इंटरव्यू के टाइम पे हमें सावधानी बरतनी होगी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे हमें नहीं करना होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें करना होता है। तो सबसे पहले अपने अंदर की बुरी आदतों को ख़त्म करते हैं जो कि हमारे पास जाने अनजाने जुड़ चुका होता है। तो आपको उसे करने का तरीका अपने खुद के होंगे, बट मैं उसमें थोड़ा सा सजेशन के फॉर्म में इन्वॉल्व करूंगा। तो आज का जो सेशन होगा हमारे पास इसीलिए होगा। तो ये एक नॉर्मल बैंक इंटरव्यू नहीं है, ये नॉर्मल SSC इंटरव्यू नहीं है, ये सब कुछ है। ये एक इन जनरल वीडियो है हमारे पास सभी टाइप के कैंडिडेट के लिए जो जॉब इंटरव्यू कभी भी देना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट या हमारे पास सरकारी, चाहे वो बैंक के लिए हो, चाहे SSC के लिए, चाहे सबके लिए अप्लीकेबल है, और सभी लोग इस चीज को ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं Unacademy स्टूडियोज वर्ल्ड पे, जिस पे मेरी रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं। मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं अपने बारे में। तो मैं श्याम असारे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc कंप्लीटेड फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथ्स, के साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर 7 साल से भी ज्यादा दिया है मैंने, और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जानते होंगे लास्ट ईयर तक मैंने हर साल इंटरव्यू के बैचेस रन कराए, बट वो बैचेस रन कराए थे अभी Unacademy पे। इसको किस तरीके से रन कराना है मैं बहुत जल्दी सीखूंगा, और बहुत जल्दी ये मैं कंडक्ट कराने वाला हूं, मॉक इंटरव्यू एंड ऑल सब कुछ हर साल मैंने कराए हैं IBPS के लिए खास करके और SBI के लिए। तो अभी फिलहाल SBI के लिए इतने नहीं कर पाया इस साल, थोड़ा सा सर्कमटेंसेस ऐसे थे, बट IBPS के लिए मैं फिर से रेडी हो जाऊंगा। बैंक के लिए, बाकी SSC वगैरह के लिए, इंटरव्यू पोस्ट वगैरह के लिए भी क्या क्या GS वगैरह में पढ़ना होता है वो सबको सजेस्ट कर दूंगा, और क्या क्या होता है क्योंकि पैनलिस्ट को मैं जानता हूं और एक टाइम का रहा भी हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आइडिया दे सकता हूं आपको। ठीक है, मेरी टाइमिंग की बात करें इसी प्लेटफॉर्म पे Unacademy स्टूडियोज वर्ल्ड पे, मैं मॉर्निंग में 11 बजे और 5 बजे दो टाइमिंग है हमारे पास, एक प्रीलिम्स की होती है एक मेंस की। मॉर्निंग में 11 बजे हम लोग प्रीलिम्स की क्लासेस अटेंड करते हैं, और शाम को हम लोग क्या अटेंड करते हैं, मेंस की क्लासेस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, और कल से मेरा Unacademy प्लस पे एक नया कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, उस कोर्स का नाम है IBPS RRB PO मेंस। तो मेंस के लिए भी है, उसके लिए प्लस पे आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्पेशल क्लासेस मेरी चलती हैं 7 बजे शाम को, अभी जो नया बैच जो स्टार्ट है, स्पेशल क्लास ना हो कहीं से आप कह लें तो वो 7 PM पे हमारे पास एक नया क्लास स्टार्ट होने वाला है, 7 to 8:30। ठीक है, स्पेशल गलत है, मैं नया क्लास शेड्यूल जो है वो 7 to 8:30 होगा, कल से स्टार्ट होगा। तो तैयार हो जाइए IBPS RRB PO के मेन्स लेवल प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आप सभी लोग मेरे को फॉलो करना होगा, सब्सक्रिप्शन परचेस करनी होंगी, क्रैश कोर्सेज जो मेरे पास आए हुए हैं वो सभी को अभी उस पर आप जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो अभी 7 डेज का हमारे पास फ्री ट्रायल ऑप्शन अभी अवेल्ड है आपके पास। तो 7 डेज का फ्री ट्रायल ऑप्शन आप ओपन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होगा मैं अभी एक प्रोसेस जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को। आपको Unacademy लर्निंग ऐप ओपन करना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है अपने पास। फर्स्ट टाइम यूजर्स ध्यान रखें इस चीज़ को, लर्निंग ऐप ऐसा दिखेगा Unacademy की तरफ से, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। पहला लॉगिन एंड साइनअप, लॉगिन एंड साइनअप जब आप कर लेंगे तो आपको बैंक एग्जाम सेलेक्ट करना होगा, बैंक के एग्जाम को सेलेक्ट कर लें। बैंक एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन टिक कर लें, ये जो 7 डेज का फ्री ट्रायल है उसके लिए मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन टिक कर लें। उसके बाद SA Live आपको अप्लाई करना है, और ये जो अमाउंट 5000 दिख रहा है वो तुरंत हो जाएगा 4500, और इसमें प्रोसीड टू पेमेंट पे जब जाएंगे तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और पहले से वीडियो देख रखा है तो कुछ कॉइन्स भी होंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी हो जाएगा। तो जब ये डिस्काउंट हो जाएंगे तो आप एक काम कर सकते हो, क्या दैट इज कि आप जब ये करोगे तो पेमेंट से पहले वो 7 डेज ट्रायल वाला ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, आप उसे अवेल कर लेना। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा SA Live लगा दीजिएगा जरूर। ठीक है, SA Live जरूरी है, आप कभी भी सब्सक्रिप्शन ले 10% डिस्काउंट डायरेक्टली हो जाएगा इस पे, तो आप सभी लोग अवेल कर लें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या 10 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है इंटरव्यू पे, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाने के टाइम पर यानी उस समय जब इंटरव्यू चल रहा होता है या उस समय जब पहुंच रहे होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट अराइव लेट और डोंट अराइव टू अर्ली। ठीक है, आपको ना ही लेट आना है और ना ही जल्दी आना है। ठीक है, एकदम बहुत सबसे पहली सीख दे रही है बच्ची, और मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला जो हमारे पास नॉलेजेबल
चीज है वो ये है कि ना ही आप जल्दी पहुंचे ना ही देर। देर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरव्यूअर आपका वेट कर रहा होगा। इंटरव्यू जैसे कभी कभी होता क्या कि इंटरव्यू के टाइम शेड्यूल्ड आपका किया हुआ 9 बजे सुबह, अब आप पहुंचे वहां 10, 10:30, 11 बजे, तो आपको बहुत अजीब सा अकवर्ड फील होता है। और 9 बजे का इंटरव्यू है और आप बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर, आप स्टूडेंट हो तो सबसे सटीक चीज होगी आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर का। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें ना, तो एग्जामिनेशन सेंटर में आप कभी कभी बहुत जल्दी पहुंच जाते हो तो आपको बड़े अजीबोगरीब फीलिंग से आने लगती है। जब टाइम पे पहुंचते हो तो उसकी अलग एक्साइटमेंट होती है। जब बहुत देर से पहुंचे हो तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर ले जाते हो, एक्साइटमेंट बहुत डाउन होती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना ही पहले पहुंचे ना ही लेट पहुंचे, जो समय दिया गया है उस समय को मार्जिन में रखते हुए उस टाइम पे पहुंचे। जैसे होता है ना 9 बजे है तो आप 9:45 पहुंच जाओ, बहुत ज्यादा पहले नहीं। ये बोला है लेट तो आना ही नहीं है आपको, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं आना है। लेट नहीं आना है लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं आना है। ऐसा नहीं कि आप आ गए हैं तो बहुत जल्दी आ गए, चलो 1-3 घंटे पहले ही आ गए, नहीं ऐसा नहीं। आप आओ जो टाइम सुटेबल है उसके 10-15 मिनट आगे पीछे आओ, लेकिन आ जाओ। कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू क्यों ना हो, इसे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके साइकोलॉजी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। इस पर्सन को देख रहे हैं आप, मतलब ये भूल चुकी थी कि स्माइल भी करना है, अपने चेहरे को स्माइली बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अचानक से जैसे उसका रिज्यूमे देखने के बाद हटाया गया तो वो भूली हुई थी, अचानक से उसके चेहरे पे क्या हो गया, स्माइल आया। तो ये वाला जो हमारा काम है वो नहीं होना चाहिए। आपको भूलना नहीं है कि आपको हमेशा स्माइली फेस रखना है। अब हमें जो भी बात करनी है वो स्माइली फेस के साथ बात करनी है। डजंट मैटर वो कितना भी अच्छा या बुरा क्वेश्चन क्यों ना पूछे, कितना ही इमोशनल हो चाहे कितना ही क्वेश्चन, आप उस समय स्माइली फेस के साथ देंगे। इमोशनल क्वेश्चन का आंसर भी स्माइली फेस के साथ ही देना, इमोशनल नहीं हो जाना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो डोंट फॉरगेट टू स्माइल, आपको भूलना नहीं है कि आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। मुझे यह इमेज सबसे बेहतरीन लगी, वजह यह है कि यह एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है इस चीज को कि आप भूल चुके हो। इसे देखने पर कितना अजीब सा ये सीन दिख रहा है कि अचानक से वो स्माइल करती है, तो जो इंटरव्यूअर होगा उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, अरे मेरे ऊपर हंस रही है यार, व्हाटएवर, कुछ भी सोच सकता हूं। ठीक है, चले ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला, जल्दी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आना है और लेट नहीं आना है। ठीक है, लेट तो एकदम भी नहीं चलेगा लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, डोंट डिस्प्ले नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े टेंशन वाले, जैसे ऐसा होता है ना कि ठीक है पढ़ लो, एक काम करो ऐसे क्वेश्चन देख लो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ दिस इज अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। सही पॉजिटिव लैंग्वेज क्या होता है, बेटा पढ़ लो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन कर लो, शब्द छोड़ दो। अगर मैं शब्द हटा भी देता हूं तो भी दोनों शब्द सिमिलर, देखो होमवर्क निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, करो जल्दी जल्दी करो, ये निगेटिव बॉडी लैंग्वेज हो गई। दूसरा, अब सही वाला, देखो होमवर्क निकालो जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो, तो ये दिस इज द पॉजिटिव, एक्चुअली उससे तो पॉजिटिव है ये। टोन की वजह से चीजें पॉजिटिव और निगेटिव होती है, दिखाई देती है। आप कितने भी पोलाइटली और गंदे शब्द बोलेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन अभी कभी क्या है टोन सही रहेगा तो आप गंदे भी चीज बोलोगे तो सही लगता है, तो वो तो टोन बात की बात है। फिलहाल यहां जो है कि डोंट डिस्प्ले निगेटिव बॉडी लैंग्वेज, तो आपको आंसर देते समय, बातचीत करते समय, उस इंटरव्यू में बैठे हुए आप किसी भी कंडीशन में निगेटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं शो करेंगे। और निगेटिव बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या है, किस चीजों पर ध्यान रखनी है, एक दिन मैं डिटेल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेके आऊंगा तो आप सभी लोगों को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, डोंट स्पीक इन अ मोनोटोन। एक्चुअली क्या होता है, एक मोनोटोन होता है, मतलब होता है ट्यून जो होता है, जैसे मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूं तो कभी कभी क्या होता है कि पिच हाई रखता हूं, कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज कभी स्लो। बात करने का सही तरीका यही होना चाहिए, इससे क्या होता है सामने वाला एक्चुअली शब्दों से बातों से आपसे इंप्रेस होता है। कैसे, वो आप मोनोटोन रखोगे ना, एक काम करिए आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब सही चूज नहीं किया हुआ है, जब भी इस क्वेश्चन को सही जवाब चूज करना हो तो आपको हमेशा 3 नंबर ऑप्शन चूज करना होगा और 4th नंबर ऑप्शन आपको सही नहीं रखना है, इस तरीके ये जो होगा मोनोटोन होगी, टोन एकदम सिमिलर है, तो एकदम आप सेंटेंस जैसे लग रहे पढ़ रहे हो, जस्ट लाइक पंडित जी एक मोनोटोन में पूरा मंत्र पढ़ देते, समझ में कुछ नहीं आता। अगर वो हमें पढ़ के समझा रहे होते हैं, वो टोन पे पाउज ब्रेक स्पेस कुछ ले रहे हो, दैट इज वो और अलग, और टोन भी हमारे पास सही हो, तो जब मोनोटोन हमारे पास होगा तो वह हमारे पास क्या होगा, एक बहुत ही गलत इंपैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर। आपको एक परफेक्ट टोन में लेकर चलनी होगी बात, ट्यून आपकी अप एंड डाउन हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जहां पर जैसी जरूरत हो, जहां तेज बोलने की जरूरत है वहां पर थोड़ा सा लोड दीजिए, तेज मत बोलना, चिल्लाना नहीं है, लोड देना है, शब्दों पे लोड देना भी सीखिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला लोड देना, तो एक्चुअली मैंने लोड पे भी लोड दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बोलने का एक सही तरीका होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। सिंपल सी बात है, मोनोटोन में नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ड्रेस
टू कैजुअली। ये पर्सन बहुत सही ड्रेस्ड अप हुआ है और ये हमेशा अच्छे तरीके से हो रहा है, बस ये बाल्ड है और कुछ भी नहीं, और बाकी बाल्ड होने के बावजूद भी ये बहुत सही दिख रहा है। कुछ लोग होते हैं हमारे पास इन इंडिया कि बाल हमारा सही होना चाहिए, काला होना चाहिए, एंड जो मतलब प्रोफेशनल लुक की बात करें तो शर्ट होने चाहिए वाइट, पैंट पहनेंगे ब्लैक, ब्लैक कलर की टी शर्ट या ब्लू कलर की टी शर्ट कह रहा हूँ, टाई हो जाएगी, फुल स्लीव्स होगी तो बहुत कैजुअल, नहीं आपके बॉडी पे वो चीज़ें सही होनी चाहिए, तो वो फॉर्मल कुछ भी रहेगा चलेगा, डजेंट मैटर कि स्पेक्स लगाएंगे तो ही पढ़े लिखे आप कंसिडर किए जाएंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे है डोंट ड्रेस टू कैजुअली, यहाँ पे कैजुअली नहीं बोला, टू कैजुअली मैंने बोला हुआ। क्यों बोला टू कैजुअली पता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैजुअल आप नॉर्मल एक शर्ट भी पहन के जाते हो ना, आप ठीक है, सही है, जरूरी नहीं कि वाइट प्लेन ही हो, आप अनदर पहन के जाते हो, लेकिन वो इतना कैजुअल भी नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं, नॉर्मल कैजुअल शर्ट भी पहन के जाते हो चिल है, ठीक है, इंटरव्यू सही होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कैजुअल पहन के जाओगे ना तो इससे क्या होगी, आपकी मानसिकता या आपका थॉट प्रोसेस और आपकी साइकोलॉजी पकड़ लेता है कौन, हमारा इंटरव्यूअर, और इंटरव्यूअर को लगता है कि बहुत ज़्यादा कैजुअल है, चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा कैजुअल रहता होगा, जब ये ऐसे सिचुएशन पे कैजुअल पहन के आ सकता है तो बहुत सारे सिचुएशन पे वो बहुत चीज़ें कैजुअल कर सकता है, दैट्स वाई, तो कैजुअल नहीं होना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे यू बेटर लिसन, ठीक है, सबसे पहले क्या होना, ये बोल रही है यू बेटर लिसन, तो पहले के मतलब ये है कि ये डांट रही है एक्चुअली अपने किसी पर्सन को, इंप्लॉय को या किसी को, कि भैया पहले तुम सुन तो लो, लेकिन इन इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा कि रोक के वो बोले कि नहीं सुन तो लो, वो एक्चुअली क्वेश्चन बोलने जाएंगे और आपको लगेगा हमें आंसर आगे, जैसे होता है ना कि दिल्ली की जनसंख्या, जैसे इतना बोला आगे क्वेश्चन ऐड करता है, लेकिन तब तक आप यूपीएससी के कैंडिडेट, आपने जनसंख्या और दिल्ली बड़ी तेजी के साथ बता दिया, क्वेश्चन ये था ना जो दिल्ली की जनसंख्या के कितने परसेंट लोग हमारे पास जो बाहर से आके बसे हैं, मतलब कि एनआरआईज हैं या विदेशों से आके रुके हुए हैं, ये चीज़ पूछा जाए तो ये तुरंत हमारे पास क्या यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे बन तो सकता है, लेकिन आपने क्या हुआ इनकम्प्लीट क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो ये हमेशा रॉन्ग होता है। तो जब भी हमारे पास आंसर देना स्टार्ट करें तो आप पहले सुन लें, तो ये कैसे कंफर्म होगा आंसर खत्म हो, क्वेश्चन खत्म हो गया है, वो उनके पॉज से पता चलेगा, उनके वो भी मोनोटोन में नहीं बोलेंगे, उनका क्वेश्चन पूछ, जैसे होता नहीं एक शब्द आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट कौन सा मूवी था वो जो एलियन आया था धरती पे, पीके आई थिंक, ठीक है, उसमें एक शब्द अच्छा को मल्टीपल टाइप से बोल के बताया था, वैसा ही है, वैसा ही है। तो अच्छा अब जो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क जैसा होता है ना, तो वो बोलेगा ना क्वेश्चन, जब फील होगा उस शब्द पे फील होगा कि वो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, या बता रहा है पूछा है, जब मोनोटोन होता है ना तब नहीं पता चलता, तब आप पूछते हो तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो, ठीक है, वैसे भी ठीक है, अब मेरे पास क्या ही हो सकता है, ठीक है, अब मेरे पास कितने ही रुपये हो सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ मेरे पास कितने रुपए हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ, तो पता चलता है पूछने से बताने से, ठीक है, जब पता चल जाएगा ऑटोमेटिक फील हो जाएगा, नहीं तो उसके पॉज से पता चलता है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जब आप कंफ्यूज हो ना पता चले तो उसके पॉज, जब पॉज ले ले तो समझ लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो उसके पॉज बहुत लंबा ना हो, 3-4 सेकंड ही हो मैक्स टू मैक्स, 2 सेकंड 1 सेकंड हो तो और बेटर है, तो आप उतने देर में आप आंसर देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले सुने फिर जवाब दे। अगला, डोंट एक्ट नर्वस और डिजेक्टेड, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्या होते हैं कि इंटरव्यू, अब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू नाम ही हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहला रिजेक्शन का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जैसे पता चला इंटरव्यू बुलाया गया पता है हम नर्वस क्यों होते हैं, क्योंकि हम एक उम्मीद बना के जाते हैं, क्या किसी चीज़ की, सेलेक्ट होने की, सेलेक्ट ना होने की, किसी भी चीज़ की, हर एक बार हर एक चीज़ का जब इंसान नर्वस कब होता है, जब उसे किसी चीज़ की उम्मीद हो और उस उम्मीद के साथ वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद बना के कि वो सेलेक्ट होगा नहीं होगा, कि बीच की कसमकस ही उसे क्या कर देती है, नर्वस लेवल बढ़ा देती है, डिजेक्शन इसी को कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नर्वस नहीं होना है, और उसे मतलब हो तो वो तो ऑब्वियस है आप होगे, लेकिन वो एक्ट नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, आप जाके कभी कभी क्या होता है ना कि आप इंटरव्यूअर को बताते हो कि यस सर इंटरव्यू है मैं नर्वस हूँ, अब ये चीज़ तो पता है कि भाई तुम्हारे बाल काले हैं, तुम्हारे पास बाल है, तुम्हारे हाथ है, नाखून तुम्हारे दांत है, ये बताओगे क्या इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर को ये सारी चीज़ें नहीं बतानी होती, क्योंकि वो चीज़ उनको पता है ये, बट ऑब्वियस है कि इंटरव्यू देने आए हो तो तुम नर्वस जरूर होगे, लेकिन एक्ट तो मत करो, तो आपको ये एक्ट नहीं करना। नॉर्मली क्या होते हैं लोग हंसते हंसते बोल देते हैं कि सर इंटरव्यू है इस वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस ज़्यादा हो गया हूँ, तो मतलब ये उसको बता के आप अपनी वीकनेस दिखा रहे हो, शो कर रहे हो कि एक ऐसा चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ कमजोरी है, और वो चीज़ आप शो भी कर रहे हो आपकी कमजोरी, ठीक है, तो उससे ना शो करें, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एंग्री टोन्स,
किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का और कितना भी गंदा सेंटेंस का आप एंग्री टोन में आंसर नहीं देंगे। एंग्री टोन में किसी भी तरीके का आंसर नहीं देंगे। हो सकता है इमोशनली आपको वो हर्ट करे, आपके इमोशंस के साथ खेल जाए, या कोई रूड या कोई हार्श सेंटेंस दे दे या हार्श टोन में आपसे बात कर ले। तो आपको कभी भी इंटरव्यू है तब तक आपको नहीं बोलना है। आप साउथ इंडियन हीरो नहीं हो कि भैया निकलोगे बाहर तो हम पीट डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं करना है आपने। आप इंटरव्यू देने आए हो, हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन करेगा, उससे आपका कुछ नहीं होगा। आप एंग्रीली बात करेंगे तो डैम श्योर वो रिजेक्ट कर देगा। तो डैम मत करो, श्योर ना करो उसे, आप नॉर्मली उसे करने दो जो वो कर रहा है, हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों हम हार्श लैंग्वेज यूज करें, क्यों हम एंग्री हो, एंग्री ट्यून किसी भी कंडीशन में नहीं यूज करना है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट प्लेइंग फेवरेट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले तो ये बात समझे। प्लेइंग फेवरेट्स का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम चीजें दो तीन चीजें होती हैं कि इंटरव्यू पैनल में आपके दो तीन लोग हैं, तीन लोगों में से एक पर्सन ने आपसे ऐसे बात करी जैसे लग रहा है जैसे वो आपका फेवरेट हो गया उसी समय। तो एट दैट सिचुएशन आप क्या करते हो कि आप एक ऐसा एक्ट प्ले करने लगते हो कि आप इंटरव्यू सिर्फ इसके लिए आए हो, और आपके अंदर ये डेवलपमेंट आ जाती है ये बंदा अगर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हमारे आंसर से खुश हुआ है और ये मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, अब इसी को हम लोग क्या करें टारगेट कर ले, इसी को आंसर बता दे। यह गलत तरीका होता है किसी भी इंटरव्यू में, इंटरव्यू के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या आंसर देने का। मैं एक एग्जांपल दिया कि पैनल में तीन मेंबर थे तो आपने उसको लेके एक एग्जांपल है ये प्लेइंग फेवरेट्स। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में भी हमारे पास ऐसे आते हैं कि तो आप बताते हो कि यह मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। आपने आपसे पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी की कुछ अच्छाइयां बताइए या कुछ बुराइयां बताए, नहीं सर बता ही नहीं सकते क्योंकि मेरे फेवरेट है, मुझे हमेशा उसकी अच्छी, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर अगेन। तो किसी को फेवरेटिज जो आपका फेवरेट है उस चीज को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, जो रियल फैक्ट है जो सच है जो हकीकत है उसे ही बताइए। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम सभी लोगों ने डिस्कस करे आज, और हम लोग जाने कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ चीजें और रह गई जो मैं बता दे रहा हूं आपके। पहला है ये है हमारे पास डोंट हैवी डाइट, यानी कि आपको ज्यादा मतलब कि डोंट हैव हैवी डाइट एक्चुअली होना चाहिए। बहुत ज्यादा खाना मत खा के जाइए किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए। आप हल्का स्नैक्स ले सकते हैं बट हैवी डाइट किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। हैवी डाइट हैवी स्नैक्स होना चाहिए यहाँ पे किसी भी कंडीशन, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जाते हो ऑलरेडी भूख प्यास तो मरी होती है भाई। बहुत मैं साफ सुथरा बताऊं, हम सभी लोगों के साथ आदत यही होता है कि भूख प्यास तो नहीं लगती जब हम इंटरव्यू देने पहुंचे होते हैं। तो किसी भी कंडीशन में हमारे पास क्या लगती है, उस टाइम भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हल्की डाइट पे जाएं। बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे होते हैं घर से निकलते समय मम्मी मम्मी बहुत खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। अब हल्का डाइट ले लो, उस प्लेट से उठाओ एक रोटी दो रोटी खा लो, एक दो पराठे खा लो या वट एवर जो भी है, लो इडली खा लो या जो भी है, बट बहुत ज़्यादा हैवी डाइट कर लोगे तो आपकी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स है ना, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो बहुत तेजी से एक्टिवली वर्क करने लगते हैं। वो इतनी एक्टिवली वर्क करते हैं कि उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, जिसमें नींद आना सबसे पहला काम होता है, जमाई आना मतलब कि आप जल्दी जल्दी ये जमाई लेते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हो जो कि बहुत अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है वहां पे, और आप आंसर्स दे आते हुए भी आपके अंदर से वो चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं दिखती है, जिसमें आप थोड़े से डल फील होते हो चेहरे को देख के। दैट्स वाई आपको हैवी डाइट किसी भी कंडीशन में नहीं करनी होती है जिस दिन इंटरव्यू होता है। थोड़े भूखे रहेंगे चलेगा थोड़े से, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो भी चेहरे पे दिखता है, तो बहुत समय से ना हो, हल्की डाइट लेके आप इंटरव्यू देने जरूर जाएं। ठीक है बेटा, ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। नेक्स्ट सेशन कभी मौका मिला मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंटरव्यू के लिए पूरा एक दो कैंडिडेट का पूरा एग्जांपल्स लेके और क्या क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मैं जीएओ करंट अफेयर तो नहीं पढ़ाऊंगा बैंकिंग का, अगर बैंकिंग का इंटरव्यू बताऊं एसएससी का कराऊंगा या रेलवे के इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा, तो आपके इंटरव्यू में हम जो बेसिक फैक्ट्स है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, बशर्ते जीए एंड कंटेंट का जो हमारे पास है जीएस का पार्ट है ये सब कुछ आपका नॉलेज के ऊपर है, आपके रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज उसे डिस्कस करेंगे, जैसे अभिजीत सर हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपको सजेस्ट गाइड कर सकते हैं जीए करंट अफेयर के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऑल के लिए मैं क्लासेस लूंगा, उनसे पूछोगे तो बताएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोग आज अटेंड कर ले, इन सभी चीजों को अमल करो, अभी से अमल करो अपने पर्सनल लाइफ में, ताकि वो चीजें धीरे धीरे अच्छे तरीके से फैक्चुअल बना ले जाएं। ठीक है, चलो
अब आगे मैं बात कर लेता हूँ कोर्सेज की, तो कोर्सेज अवेल कर लीजिए आप सभी लोग। जो लोग भी अनअकैडमी प्लस पे भी मेरे कोर्स अवेल नहीं कर पाए, अवेल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 1 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल या 2 साल का। मेरा रिकमेंडेशन एटलीस्ट 1 साल का ले लो, 1 साल का 5000 का होगा, लेकिन एक कोड रेफरल कोड यूज करिए SA Live, कोई भी कोर्स होगा उस पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। यह है अगर 8000 यानी 2 साल के लेते हो तो 7200 हो जाएगा SA Live, याद रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लाइक करिए और शेयर करके इसे ऑल इंडिया फैला दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन था वो सबके लिए इंपॉर्टेंट था और सबके लिए बेहतरीन था, और यह चीज यूटिलाइज करेंगे आप सभी लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी, इंटरव्यू देते समय यह बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो मेरे से कम्युनिकेट करिए, बाय बाय। कमेंट कर दीजिए अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपके अभी भी फेस करते हैं इंटरव्यू को लेकर। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।